आज मैंने बच्चों के लिए रोटी का इस्तेमाल करके बहुत ही डिफरेंट तरीके से पिज्ज़ा बनाया है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आजकल ना सबसे ज़्यादा बच्चों को जो पसंद है वो है पिज्ज़ा। तो रोटी बच्चे जो है ना ऐसे नहीं खाना चाहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज रोटी में कुछ पिज्ज़ा वाला ट्विस्ट दिया जाए। और इस रेसिपी को बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं जाता है और ये सिर्फ 10 मिनट में ये तैयार हो जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले रोटी ले ली और उनको जो है ना नूडल्स की तरह कट कर लिया है। और यहाँ पे कुछ सब्जियाँ भी मैंने कट कर रखी है, शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज, ये सब मैंने पहले से ही कट करके रख दिया था। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सब्जियाँ ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब ऑयल डाला है। आप यहाँ पे बटर का भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें प्याज डालूँगी और प्याज को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे जो है ना प्याज को ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी, 1 मिनट के लिए सिर्फ फ्राई करना है। उसके बाद यहाँ पे हम शिमला मिर्च डाल देंगे और शिमला मिर्च डालने के बाद जो है ना इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। वैसे तो बच्चे सब्जियाँ खाना पसंद नहीं करते हैं, पर इस तरीके से बनाया ना तो सब्जियाँ भी चट कर गए। तो देखिए यहाँ पे शिमला मिर्च और प्याज जो है ना वो थोड़ी सॉफ्ट हो गए। उसके बाद हमने यहाँ पे टमाटर ऐड कर दिया है। कुछ सेकंड के बाद टमाटर भी सॉफ्ट हो गया। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, साथ ही डाल देंगे चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा हमने ऑरिगेनो ऐड कर दिया है। और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद जो हमने रोटी कट करके रखी थी ना वो भी डाल देंगे। तो रोटी डालने के बाद मुझे याद आया कि मैंने इसमें पिज्ज़ा सॉस तो डाला ही नहीं, फिर मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस ऐड किया है। तो सब्जियां जो है ना जब भुने ना तभी आप पिज़्ज़ा सॉस डाल दीजिएगा। उसके बाद करना है इसको अच्छे से मिक्स। तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं ऐड किया है, आप चाहे तो इसमें और भी कुछ कुछ ऐड कर सकते हैं, पर मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया, फिर भी बहुत ही बढ़िया बना था, बहुत ही स्वादिष्ट बना था। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, गैस को ऑफ कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे 3 कटोरी लिया है, तो हमने जो रोटी का मिक्सर बनाया है इन कटोरी में डाल देंगे। पहले हाफ क्वांटिटी में डाला है, अब इसके ऊपर से हम पहले चीज़ डालेंगे। तो 3 कटोरी में जो है ना पहले मैंने चीज़ ऐड किया है, उसके बाद फिर से जो रोटी का मिक्सर है ना वो हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम इस पर जो है ना फिर से चीज़ ऐड कर देंगे। तो चीज़ आप कम या ज़्यादा अपने इच्छानुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। के बाद ना ऊपर से थोड़ा सा मैंने ऑरिगेनो डाल दिया, क्योंकि बच्चे ऑरिगेनो थोड़ा पसंद करते हैं इसीलिए डाल दिया है। आप यहाँ पे ना पिज़्ज़ा सॉसेज भी डाल सकते हैं, या मेयोनीज पसंद करते हैं आपके बच्चे तो आप मेयोनीज भी डाल सकते हैं। तो अब ना हमें बेक करना है, तो मैंने यहाँ पर ना पहले से ही कढ़ाई को प्री हीट कर ली हूँ और यहाँ पे हम 2 मिनट इसको ढक के ना बेक करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे अवन में भी बेक कर सकते हैं। तो 2 मिनट के करीब हो चुका है और चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो तैयार हो चुका है हमारा रोटी या कटोरी पिज्ज़ा, जो भी आप कहें। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।